जरा रुख बिहार का करते हैं, बात नीतीश कुमार की करते हैं, जिनकी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को नई टेंशन दे दी है। जी, नीतीश कुमार के करीबी हैं, उन्हीं की सरकार में मंत्री हैं, नाम है अशोक चौधरी। उनका आया है बड़ा बयान, 17 सीट से कम पर जेडीयू समझौता नहीं करेगी, ये कह रहे हैं अशोक चौधरी। नीतीश कुमार के पास जनाधार है, ये दलील दी जा रही है अशोक चौधरी की तरफ से। नीतीश जिधर रहते हैं उस गठबंधन का पलड़ा भारी रहता है, ये ताकत नीतीश कुमार की दिखा रहे हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी के साथ ये खास बातचीत जरा आपको सुनवा देते हैं। पहले सत्रह सीटों से कम मंजूर नहीं, सीट समझौता हुआ नहीं, लेकिन ऐलान है। सीपीआई ने भी ऐलान कर दिया 3 सीट, तो 5 सीट पर सीपीआई एमएल ने भी दावा कर दिया। अब जेडीयू क्या करेगी? इस तरह से जो सीट शेयरिंग से पहले जो मामला चल रहा है, तो नीतीश कुमार अब क्या करेंगे और दावे का आधार क्या है कि आप 17 सीट मांग रहे हैं? दावे का आधार है हमारा, तो हम पिछली बार भी 17 सीटों पर लड़े थे और किशनगंज की सीट बहुत थोड़े मार्जिन से हम हार गए और हम 16 सीट जीते हैं। और नीतीश कुमार किसी जाति धर्म की राजनीति कर करके 18 साल से इस प्रदेश पर का प्यार और स्नेह जनता का नहीं मिला हुआ है। जनता का मिला हुआ है प्यार और स्नेह क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है, एक राजनेता के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में। उनकी जो कार्य करने की शैली है इसको जनता पसंद करती है, जनता मानती है कि हम नीतीश के नेतृत्व में बिहार महफूज है। तो ये हमारा ना दावा है, हम काम करके ना लोगों को आकर्षित किए हैं, तो हमसे बड़ा जनाधार किसका है? हम जिधर नीतीश कुमार जीत की गारंटी हैं, नीतीश कुमार जिधर रहते हैं जिस गठबंधन में, वो गठबंधन सशक्त और मजबूत होता है क्योंकि लोग नीतीश को नेता के रूप में स्थापित मानते हैं। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, आप लोगों ने बार बार कहा था कि नीतीश कुमार पीएम फेस हो सकते हैं, उनमें ये काबिलियत है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि राहुल गांधी उधर न्याय यात्रा में चल पड़े हैं, तो कहीं आपको दिख रहा है कि ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है कि आपके नेता को राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए? जब खुद ही नेता ने कह दिया है कि ना हम कन्वेनर के उम्मीदवार हैं, ना हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं हैं, हम तो चाहते हैं कि मिलजुल करके चुनाव लड़ा जाए। अगर कल भारतीय जनता पार्टी रुकती है तो सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देश भर में मिलेगा, सबसे पुरानी पार्टी है, तो त्याग भी तो सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि जनता दल यूनाइटेड त्याग कर दे और उससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। पैन इंडिया इंपैक्ट आपका है, आप संगठन आपका है, आने वाले समय में फायदा आपका है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने की जिम्मेवारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है क्योंकि आप मेन ओपोजिशन है, त्याग ही आप ही को करना पड़ेगा ना। जेडीयू के नेता, नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को आप सुन रहे थे। 17 सीट से कम जेडीयू को मंजूर नहीं, और सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव का भी एक बयान सामने आया है। सीट बंटवारे पर हमारा मामला अंदरूनी है, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। हम किसी को क्यों बताएं कि आखिरकार सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, सुनिए जरा। सीट शेयरिंग का मसला जो भी होता है, कोई भी दल पत्रकारों को तो नहीं बताती है ना, तो हम क्या हल बताएं? ये सब इंटरनल बात है। और पार्टी महागठबंधन जो है, हम लोग सब लोग काम करेंगे नहीं करेंगे, सीट तो बंटवे ना करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर करारा तंज किया है। बाढ़ में मैंने देखा कि बिहार में 52 सीटों की मांग हो रही है, जिस ढंग से उनके महागठबंधन के लोग कांग्रेस, आरजेडी और जदयू ने सीटों पर दावा किया है, वो मात्र 52% सीट है। 52 सीट होगा तभी न सबका कल्याण होगा, नहीं तो आपस में मतभेद होगा। चुटकी ले रहे हैं गिरिराज सिंह, कह रहे हैं जिस तरीके के दावे कर रहे हैं उससे तो मामला 52 सीटों का बैठ जाता है, बिहार में तो 40 सीटें हैं, क्या करेंगे ये। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार ने एक दिन पहले ही जो कहा है वो भी सुनना जरूरी हो जाता है। बोल रहे हैं सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत कर, सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत कर, सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत कर, सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत कर।
सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, बस इतनी सी बात जो नीतीश कुमार की तरफ से कही गई। मैं सीधे दर्शकों को लेकर चलती हूँ पटना, हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से, जब सब समय पर ही होगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर पलटकर नीतीश जी से सवाल तो यही पूछा जाएगा कि साहब उन्हीं की पार्टी के नेता इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, मीडिया के सामने आकर 17 सीट दावा क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये बात तो तय है कि स्क्रिप्ट जो है वो लिख करके सभी नेताओं को दे दिया गया है और नीचे तक ये बातें चली गई हैं कि अब किस तरह से दबाव बनाना है। तो ये समझना जरूरी है कि क्या ये दबाव सीट शेयरिंग को लेकर है या फिर गठबंधन में कुछ कन्फ्यूजन है उसका फ़ायदा उठाने की को लेकर के है। अगर सीट शेयरिंग को लेकर है तो नीतीश कुमार की पार्टी ने झंडा बुलंद कर दिया है, 17 सीट पे कोई समझौता नहीं, और अगर बहुत ज़्यादा होगा तो सीटों का की अदला बदली हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ CPI ने भी कह दिया है, तो ये जो पेच है, ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि 10 सीटें उनको चाहिए, तो वाकई जो चुटकी ले रहे थे गिरिराज सिंह कि 52 सीटें हो गई तो कैसे बटेगा। पर ये जरूर है कि तेजस्वी यादव का ये जो बयान है कि पत्रकारों से नहीं बात होनी चाहिए, तो एक तरह से ये कहा जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि मामले को ठंडा किया जाए, लेकिन ठंड होने के बजाय मामला गर्माता जा रहा है और आगे बढ़ता दिख रहा है। बिल्कुल, मामले को ठंडा भी किया जाए और कहीं ना कहीं बाकी सहयोगी दल के नेताओं को एक संदेश भी दे दिया जाए कि जरा मीडिया का कैमरा देखकर जबान पर लगाम लगा लीजिए। खैर, 24 चुनाव इंडिया गठबंधन और गठबंधन में बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर पेच। सवाल यह है कि सीट की डिमांड झांकी जिस तरीके से की जा रही है नीतीश की पार्टी की तरफ से, नीतीश की पिक्चर बाकी है क्या? रुमाना जी, देखिए, मुझे ये लगता है कि जहाँ तक सीट के बंटवारे का सवाल है तो इसमें दो बातें करनी आवश्यक होगी। एक तो है नंबर्स, और नंबर 17 होगा या 16 होगा ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पेच कहाँ फंस रहा है? पेच इसलिए फंस रहा है कि सीटों की पहचान बहुत आवश्यक है। याद रखिए कि कौन किस नंबर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, कि कौन किस जगह से अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले बार राजद लगभग अधिकांश सभी जगहों पर दूसरे नंबर की पार्टी रही थी। ये भी जानना जरूरी है कि नीतीश कुमार और लालू यादव की जो राजनीति है वो राजनीति जातिगत आधारों पर चलती है। ठीक है, लालू जी के लिए अपने जो सबसे जो उनके डोमिनेंट कास्ट हैं उनकी राजनीति को छोड़कर, यादवों को छोड़कर EBC की तरफ जाना मुश्किल होगा। नीतीश कुमार जी को EBC छोड़कर यादवों को अपने में समर्पित ले लेना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए पेच इसलिए नहीं फंस रहा है कि नंबर का मामला है, पेच इसलिए फंस रहा है कि दोनों दल दरअसल अपने अपने जातिगत आधारों पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें कौन सीट कहां से कौन लड़ेगा ये इस पर बहुत अभी स्पष्टता उनको स्पष्टता नहीं है। सर, मैं इसको एक और दिशा में लेकर जाती हूँ, ये मामला जो है भाई, ये सीटों को लेकर फंस रहे पेच का मामला है या फिर ये सियासत में एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने का खेल खेलने की तैयारी में? देखिए, मेरी अपनी मान्यता ये है कि नीतीश कुमार जिस रास्ते पर चल पड़े हैं और उसमें वो काफ़ी दूर तक जा चुके हैं, अब उनके लिए पलटी मारना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि अगर वो पलटी मारना चाहें तो भाजपा भी उनको नहीं लेगी। मुझे तो पूरा शक है कि भाजपा उनका हाथ फैला के स्वागत करेगी, अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो नीतीश कुमार को उसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। इंडिया गठबंधन बनाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसको सब लोग मान्यता देते हैं, भले ही उन्हें औपचारिक पद दिया हो या न दिया गया हो। जहाँ तक सीटों के बंटवारे का सवाल है, मैं ये मानता हूँ कि बिहार में ये जो पेचीदगी दिखाई पड़ रही है ये शुरुआती पेचीदगी है, उनका सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा। उसका कारण है, कांग्रेस को पता है कि बिहार में जमीन पर उनकी क्या औकात है, वामपंथी दलों को भी पता है। अब वामपंथी दलों को मीटिंग में बैठा लिया जाता है, मान लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी औकात JDU या RJD ऐसी औकात है उनकी, सब लोग जानते हैं, तो वो हो जाएगा। याद कीजिए 2015 में जब नीतीश और लालू के बीच में गठजोड़ की बातचीत चल रही थी तो उसमें जब भी मतभेद होता था तो राहुल गांधी उसमें हस्तक्षेप करते थे, बावजूद इसके कि उनकी राजनीतिक हैसियत छोटी थी, और उस मतभेद को हटाने में और उस गठजोड़ को मजबूत करने में राहुल गांधी की प्रमुख भूमिका थी। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश में और बिहार में दोनों जगहों पर इस इंडिया गठबंधन के गठजोड़ में जो दिक्कतें आएंगी, अपनी राजनीतिक हैसियत छोटी होने के बावजूद भी सोनिया गांधी का या राहुल गांधी का हस्तक्षेप उस गठजोड़ को मजबूत करने में काफी अच्छी भूमिका निभाएगा। आपने भी लेफ्ट का जिक्र किया, विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमने कल ही देखा था किस तरीके से CPI की तरफ से 3 सीट बाकायदा नाम के साथ दावा, CPI माले जो है उसकी तरफ से 5 सीट को लेकर दावा, और वहीं
दूसरी तरफ जो बात कही जा रही थी जब ये इंडिया गठबंधन बना था कि साहब बिहार में तो देखिए महागठबंधन है ही, वहां तो सीटों को लेकर किसी तरीके की कोई दिक्कत आएगी नहीं, और अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी हो समाजवादी पार्टी हो उसके मुकाबले सबसे ज्यादा जो पेच है वो यही बिहार में नजर आ रहा है, यही नेताओं के दावे बड़े हो रहे हैं। जी दावों को पेच मत समझिए, सही बात है। दावे जो है ना वो ठीक है, दावे तो चलते रहते हैं, वो उसको पेच की तरह से नहीं देखना चाहिए। लेफ्ट पार्टीज का जैसे अभय जी ने जिक्र किया उनके पॉकेट्स हैं कुछ कुछ, लेकिन वो इस हैसियत में नहीं है कि वो बहुत बड़ा दावा करके बहुत बड़ी हिस्सेदारी के लिए शेयर मांगे। जितना है दो सीट उनकी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा तीन सीटों पर वो आ सकते हैं कि तीन सीटों पर कैसे वो लड़ाई लड़े। कांग्रेस की स्थिति भी यही है। आरजेडी के साथ परेशानी क्या है कि आरजेडी का जैसे प्रोफेसर साहब ने भी जिक्र किया कि वो नंबर दो रही है, लेकिन नंबर दो तो वो इसीलिए रही क्योंकि वो जेडीयू और बीजेपी वहां पर लड़ रही थी, और वो जहां नंबर दो है वहां तो जेडीयू नंबर वन रही है ना जी, तो उनकी दावेदारी उस तरह से कोई है ही नहीं, वो तो जीरो पर है। ठीक है, तो वो सबसे दबाव में भी हैं, भले ही आज की तारीख में उनकी ताकत हो, तो यहाँ पर सभी पार्टियां, और जेडीयू की मुश्किल ये है कि अब वो बीजेपी के खिलाफ खड़ी होकर लड़ाई लड़ रही है। आज भी मुझे लगता है कि भले ही नीतीश कुमार जी इस पूरे इंडिया गठबंधन के सबसे ताकतवर नेता हैं, संयोजक हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन गठबंधन में सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को होने वाला है बिहार में। ठीक है, जल्दी से मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जहां तक सीटों के बंटवारे का सवाल है, इसको राज्य सेंट्रिक करना भी थोड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि अब मेरे ख्याल से नीतीश कुमार झारखंड में भी अपना दावा प्रस्तुत करेंगे और झारखंड में भी कुछ बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे। तो जहां तक सीटों के दावेदारी का प्रश्न है, आप देखेंगे कि ये राज्य सेंट्रिक ना होकर हो सकता है दो तीन राज्यों को मिलाकर दावेदारी की जाए। आम आदमी पार्टी चल रही है अलग अलग राज्यों को लेकर, और बड़ी अच्छी लाइन यहाँ पर विजय जी की तरफ से दी गई है, उसी को दोहरा देती हूँ। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये सीटों की संख्या को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, ये दावे हवा हो जाएंगे या फिर ये दावे ही पेंच बन जाएंगे।